हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? आप सभी मेरी यूट्यूब फैमिली को विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूँ, सैमसंग का जो गुड लक वाला ऐप होता है, या फिर बोल सकते हैं एक मॉड्यूल होता है, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है वन हैंड ऑपरेशन ऐप प्लस। उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ क्या नए चेंजेस किए गए आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ वन हैंड ऑपरेशन ऐप के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो जाना है सीधा आपको अपने मोबाइल के गुड लक या बोल सकते हैं गुड लॉक ऐप के अंदर। गुड लॉक ऐप के अंदर जाएंगे तो वहां पर आप देखेंगे, यहां पर जाना है आपको लाइनअप वाले ऑप्शन पे। यहां पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको देखेंगे वन हैंड ऑपरेशन ऐप में ये अपडेट आया है। बहुत सारे मॉड्यूल्स में भी आए, मैं सबको धीरे धीरे कवर करूंगा। आज मैं आपको वन हैंड ऑपरेशन के बारे में बताने वाला हूँ। आपको उस पर क्लिक करके इसको यहाँ पर ओपन कर सकते हैं, पर इसमें एक नया अपडेट आया है। अपडेट के लिए आपको यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको गैलेक्सी स्टोर पे ले जाएगा। गैलेक्सी स्टोर पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये नया अपडेट यहाँ पर रोल आउट किया गया है, जो कि आप देखेंगे इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया है। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट का वर्जन है 5.7.21.0 24 अक्टूबर 2022 को इसको रोल आउट किया गया, मतलब आज के दिन इसको रोल आउट किया है, जो कि 4 MB का अपडेट है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सबसे पहला चेंजेस क्या है, फिक्स थीम कलर इशू इन क्यूक टूल्स। क्यूक टूल्स में जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये क्यूक टूल्स होता है, इसमें जो थीम्स के कलर का इशू था वो यहाँ पर उन्होंने रिजॉल्व किया है। उसके बाद एड मोबाइल हॉटस्पॉट फंक्शन टू क्यूक टूल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्यूक टूल्स में मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन नहीं आता, उन्होंने वहाँ पर एड ऑन किया गया है। और साथ में फिक्स स्प्लिट स्क्रीन इशू इन वन यू आई फाइव। वन यू आई फाइव में स्प्लिट स्क्रीन का जो भी इशू था वो रिजॉल्व किया गया है। तो कर लेते हैं इसको अपडेट। अपडेट होने के बाद देखते हैं क्या दोस्तों, आपको उसको कर लेना है ओपन। ओपन करेंगे तो ये नॉर्मली हो चुका है। अब मैं क्यूक टूल्स को ऑन करता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, क्यूक टूल्स ऑन हो चुका है, बट अभी भी इसमें हॉटस्पॉट ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो आपको यहाँ पर जाना है, यहाँ जाने के बाद जहाँ पर क्यूक टूल ऐड है वहाँ जाइए, वहाँ सेटिंग पे जाइए। सेटिंग में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल रहा है। ऐड करने के लिए आपको एक हाथ को किसी को हटाना पड़ेगा, लाइक मैंने स्क्रीन टाइम आउट हटाया, यहाँ पर ऐड पे गया। अब आपको यहाँ पर ये नया ऑप्शन मिल रहा होगा मोबाइल हॉटस्पॉट का, जो कि पहले नहीं आता था। आपको उस पर क्लिक कर देना है और बैक आ जाएंगे और ये इनेबल हो चुका है। अब जब भी आप इसको यूज करेंगे तो आपको मोबाइल हॉटस्पॉट वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट चेंज में यही नया अपडेट था। और यहाँ पर कुछ कलर के इश्यूज आ रहे थे, अगर आप यहाँ पर वॉलपेपर चेंज करते थे तो जो क्यूक टूल्स का कलर पैनल है वो थोड़ा दिक्कत दे रहा था, बट उसको भी यहाँ पर रेक्टिफिकेशन किया गया है। यही दो नए चेंजेस किए गए थे। और अगर आप वन यू आई 5.0 पे हैं तो आपको स्प्लिट स्क्रीन वाला भी इशू अब नहीं मिलने वाला। तो यही अपडेट था, तो थैंक यू दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है तो मेरी कुछ कमी तो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू दोस्तों।